एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीशो से कुछ टॉप्स जिनकी क्वालिटी अभी तक तो वैसे मैंने पार्सल ओपन करे हैं, जिनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी मैंने इनको पहन के नहीं देखा है, तो हम साथ साथ में ट्राई भी करेंगे इन टॉप्स को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबकी फोटोज वगैरह जो होंगी मैं साइड में लगा दूंगी एंड प्राइस वगैरह भी मैं साइड पे यहाँ मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। सो आपको मैं फर्स्ट जो टॉप दिखाने वाली हूँ ना, ये शर्ट थी और इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है। और इस टॉप में ना आपको, ये शर्ट है वैसे टॉप नहीं मैं इसको बोलूंगी, सो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सो जितने भी टॉप्स मैंने ऑर्डर करे ना, ये सारे जो टॉप्स है ना 400 से बिलो है। और जो शर्ट मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ना, इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी थी ना वो 300 समथिंग थी, एंड एग्जैक्टली क्या प्राइस होगी वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आई थिंक थी मुझे 388 रुपीज की पड़ी थी। उसके हिसाब से क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा प्रिटी है, और मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले शर्ट। तो आप शर्ट देखो और इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है। मैं आपको एकदम थोड़ा सा दूर से इसका कलर दिखाती हूँ, क्योंकि आपको शायद ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा आई थिंक। सो आप इसका कलर देखो, एंड इसके जस्ट मैंने अभी कल बटन्स वगैरह ओपन करे थे, और इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है। इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, सो आपको अगर डिफरेंट कलर बाय करना हो तो आप लोग बाय कर सकते हो। क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा प्रिटी है, एंड जो साइज मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था ना वो लार्ज साइज ऑर्डर करा था। और अगर आपको ये शर्ट अच्छी लग रही हो ना, सो ये वाली शर्ट आप लोग बिल्कुल लेना, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। चलो इसको ना स्टाइल करके आते हैं, मैं इसको वेयर करके आती हूँ, एंड देन आपको बता दूं कि ये शर्ट आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं बाय करनी चाहिए। तो चलो मेरे साथ, और मेरे साथ कहाँ जाओगे आप, बट मैं इस शर्ट को ना पहन के आती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये था फाइनल लुक इस शर्ट का, और मैंने कुछ इस तरह से इसको स्टाइल करा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और मुझे ये शर्ट बहुत ज्यादा प्रिटी लगी, बट अगर आप इसको बंद करके भी पहनना चाहते हो ना तो भी आप पहन सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा ओवर साइज में चाहिए तो एक साइज अप का ऑर्डर करना, बिकॉज मैंने जो साइज ऑर्डर करा था ना अपने लिए लार्ज ऑर्डर करा था, एंड ये एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मुझे फिटिंग में है। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टाइल करके इसको पहना है, और आप मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। शर्ट के लिए हाईली रिकमेंडेड, सो यस आप लोग बाय कर सकते हो ये वाली शर्ट। मैं आपको ना थोड़ा सा पास से भी दिखा देती हूँ आपको नेक्स्ट शर्ट दिखाने से पहले, नेक्स्ट टॉप दिखाने से पहले। तो आप इसका फैब्रिक देखो, इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा प्रिटी है, तो यस आप लोग ले सकते हो। तो चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो मैंने ऑर्डर करा है वो करा था मैंने मीशो से बॉडी सूट, और मुझे ना बॉडी सूट बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं दूसरी वेबसाइट्स की बात करूँ ना, वहां पे बॉडी सूट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो मीशो से ना मैंने पहले भी बॉडी सूट बहुत ज्यादा मंगवाए हैं, और मुझे सबकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। तो अगेन मुझे एक बॉडी सूट चाहिए था पिंक कलर में। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, आजकल बॉडी सूट ऑर्डर कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो ये वाला कलर मुझे काफी प्रिटी लगा, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। और बॉडी सूट से क्या होता है कि आपका टमी भी ना थोड़ा बहुत हाइड हो जाता है, क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा टमी है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला बॉडी सूट जो है ऑर्डर करा पिंक कलर में। वेयर करके भी आपको दिखा दूंगी, और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, प्राइस इसकी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो अभी वेयर करके भी आपको दिखा दूंगी, थोड़ा सा स्टाइल करके आपको दिखा दूंगी। तो अगर आपको बाय करना होना ये वाला बॉडी सूट भी आप लोग बाय कर सकते हो। प्राइस आई थिंक इसकी मुझे पड़ी थी, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, और इसकी प्राइस कहाँ लिखी हुई है, बट आई थिंक ये मुझे 250 का पड़ा था, बट एग्जैक्टली इस पे लिखा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि इसकी मुझे क्या प्राइस पड़ी थी। आप इससे डिफरेंट डिफरेंट लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप इसको जीन्स के साथ पहन सकते हो, आप इसको स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हो। तो चलो इसको वेयर करके आते हैं। ओ माई गॉड, मैं ना आपको बता नहीं सकती, ये इतना प्रिटी लग रहा है ना, और आप लोग देखो इसको। एक्चुअली मैं पहले सोच रही थी कि मैं ब्लैक स्कर्ट के साथ वेयर करती हूँ, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको इस स्कर्ट के साथ ट्राई करा है। और ये वाली जो स्कर्ट है ना, ये भी मैंने मीशो से बाय करी है। अगर आपको बाय करनी हो, इसका लिंक भी आपको नीचे मैं दे दूंगी। इसका कलर बहुत प्रिटी है, आपको मैं एकदम पास से दिखाती हूँ, आप लोग इसका कलर देखो। बेबी पिंक भी नहीं है, थोड़ा सा मर्जेंटा पिंक होता ना वैसा वाला पिंक कलर है ये। अभी मैं आपको एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ, तो आप लोग देखो और मुझे आप लोग बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। आई नो मेरा थोड़ा सा टमी है, तो उसको इग्नोर करके बाकी आप लोग एक ओवरऑल लुक देख सकते हो। तो मुझे ये बॉडी सूट बहुत प्रिटी लगा, तो आप लोग यस ये वाला बॉडी सूट जो है बाय कर सकते हो। आई थिंक इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, तो कलर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो बहुत ही प्रिटी है डेफिनेटली, एंड हाईली रिकमेंडेड ये वाला बॉडी सूट भी मीशो से। पिंक वाला टॉप तो मुझे बहुत प्रिटी लगा, और आप लोग ना ये वाला टॉप बिल्कुल लेना, बहुत प्रिटी टॉप है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन जो मैंने ऑर्डर करा था ना, ये थोड़ा सा कोरियन स्टाइल में था, व्हाइट कलर का टॉप था, और इसकी ना एक्चुअली स्लीव्स मुझे काफी
ज्यादा अच्छी लग रही थी और आप लोगों को मैं टॉप दिखा देती हूँ। सो ये है वो टॉप और इसकी स्लीव्स आप लोग देखो, अभी वेयर करके पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम फिटिंग देगा जो वेबसाइट पे जैसा दिखाया गया लाइक वैसी फिटिंग देगा कि नहीं। तो अभी मैं वेयर करके भी इसको आऊंगी, बट आपको मैं सबसे पहले टॉप फ्रंट से दिखाती हूँ। ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे दो स्ट्रैप्स मिलेंगी जिसको आप थोड़ा सा खींचोगे ना तो आगे वो जो पैटर्न होता ना लाइक जो डिजाइन होता वो बन जाएगा। तो स्लीव्स पे यहाँ पे जो है इन्होंने इलास्टिक जो है दे रखी है और इसका जो कपड़ा है ना लाइक मुझे ओके लगा, बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं बोलूंगी लाइक ठीक ठीक है प्राइस के हिसाब से। और बैक से भी मैं दिखा देती हूँ, बैक साइड पे ना आपको यहाँ पे जो है इलास्टिक मिलने वाली है। और साइजेस जो मैंने अपने लिए ऑर्डर करे ना लाइक जितने भी टॉप्स आपको मैं दिखा रही हूँ ना सब में मैंने लार्ज साइज ही ऑर्डर करा हुआ है, सो इसमें भी मैंने लार्ज साइज बाय करा हुआ है। एंड नीचे आपको जो है इस तरह रफल का जो है पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलो अभी इसको वेयर करके आती हूँ, थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं और देन आपको बताती हूँ कि ये वाला टॉप जो है आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। सो यार पहनने के बाद ना ये टॉप लाइक काफी प्रेटी लग रहा है, मैं आपको एकदम पास से भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसे ना मेरे ऊपर लाइक थोड़ा सा टाइट है और थोड़ा सा लाइक हल्का सा यहाँ से टाइट लग रहा है मुझे। बाकी इसको वेयर करा था मैंने लाइक डेनिम के साथ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने कैरी करा था ये ग्रीन कलर का बैग, तो आप लोगों को मैं एक ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। तो ये है वो टॉप, बट मुझे ना थोड़ा सा टाइट है। अगर आपको ये प्यारा लग रहा हो तो आप लोग बाय कर सकते हो। इसकी स्लीव्स जो है ना कुछ इस तरह से हैं, तो हल्का सा मुझे टाइट है, सो दैट इज वाई मैं इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ कि रिटर्न करूंगी या फिर साइज थोड़ा सा एकदम अप वाला जो लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से एकदम ये जो टॉप है ना बहुत ज्यादा फंस रहा है मुझे यहाँ से। तो बाकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपको बाय करना हो तो आप लोग जो है बाय कर सकते हो इस टॉप को। सो यस, अब मैं आपको दिखा देती हूँ द लास्ट वन जो लास्ट मैंने ऑर्डर करा था ना, ये भी मैंने पिंक कलर में ही ऑर्डर करा हुआ है। पता नहीं मुझे पिंक से आई थिंक प्यार हो गया बहुत ज्यादा। सो ये है वो टी शर्ट और यहाँ पे जो है आपको दो स्ट्रैप्स मिलेंगी। सो एग्जैक्टली जैसा वेबसाइट पे दिखाया गया ना वैसा ही ये टॉप आपको रिसीव हो जाएगा। आपको बस जस्ट इसको थोड़ा सा आगे से ना डिजाइन करना होगा लाइक जैसा वहां बना रखा ना वैसा क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, कॉटन में एकदम ये कॉटन वाला फैब्रिक है ना वैसा वाला फैब्रिक है इसका। बाकी वेयर करके भी आपको दिखा दूंगी मैं। सो यहाँ पे जो है ना इस तरह से यहाँ पे जो है इलास्टिक है, तो मुझे ये वाली जो टॉप है ना वो भी काफी अच्छी लगी। लिंक आपको नीचे दे दूंगी। सो बेसिक एक लाइक पिंक कलर की टी शर्ट है, कलर ऑप्शंस इसमें काफी सारे थे तो आपको मिल जाएंगे। सो अगर आपको बाय करनी हो यस आप लोग ये वाला भी बाय कर सकते हो। अब मैं आपको वेयर करके इसको दिखा देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो चलो इसको वेयर करके आते हैं। सो यार ये वाली टी शर्ट है तो अच्छी, बट ना थोड़ा सा ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे वेयर करना है। लाइक मैंने यहाँ से टाइट तो काफी ज्यादा कर दिया हुआ है, आगे से तो अच्छा खासा डिजाइन आ गया। तो बैक से भी आपको दिखा देती हूँ, बैक से ये स्ट्रैप है। आई थिंक अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो ना तो ही आपको ये टॉप लेना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा ना वेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ठीक है, अभी अंदर से मैंने टमी टकर भी पहना हुआ है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो दो आगे के स्ट्रैप्स है ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक ओवरऑल लुक भी दे देती हूँ। मैंने इसको वेयर करा था अपनी ब्लैक जीन्स के साथ, तो वैसे क्वालिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी आप लोग देख सकते हो पीछे से कुछ इस तरह से स्ट्रैप्स को ना मैंने नीचे लटका दिया है। ठीक है, तो क्वालिटी अच्छी है, लाइक कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा प्रिटी है, सॉफ्ट है काफ़ी फैब्रिक, तो इसमें कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग पतले हो तो यस आप लोग बाय कर सकते हो, बट मुझे ठीक ठीक लग रहा है, ओके लग रहा है मेरे ऊपर बॉडी के ऊपर ठीक है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम होना जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ तो आई थिंक ये टॉप आप पे अच्छा लगेगा। ठीक है।